स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मैं हूं उबैद अहमद और आज हम बात करेंगे CSRF के बारे में। हम देखेंगे CSRF क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या है, इसे कैसे फाइंड करें, इसे कैसे एक्सप्लोइट करें। आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप करे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। CSRF यानी क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी एक ऐसा अटैक है जिसके थ्रू अटैकर आपसे कोई भी टास्क परफॉर्म करवा सकता है आपकी नॉलेज और परमिशन के बिना। CSRF के थ्रू अटैकर सेम ओरिजिन पॉलिसी को बाईपास करता है। CSRF के बारे में और जानने के लिए हम देखते हैं सेम ओरिजिन पॉलिसी होती क्या है। आसान शब्दों में आपको बताऊं तो एक ओरिजिन का रिसोर्स दूसरे ओरिजिन के रिसोर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, ये सेम ओरिजिन पॉलिसी बताती है। एक URL को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोटोकॉल, होस्ट और पोर्ट नंबर। अब इन तीनों चीज़ों के बेसिस पर ही पता लगाया जाता है कि सेम ओरिजिन है या नहीं है। यहाँ पे आप एग्जांपल में देखेंगे तो दो URL हैं, हालांकि ये स्लाइटली डिफरेंट हैं, लेकिन इसके लिए सेम ओरिजिन ट्रू है क्योंकि इसका प्रोटोकॉल सेम है, इसका होस्ट सेम है और इनका जो है पोर्ट नंबर वो भी सेम है। पोर्ट नंबर ऑल तो मैंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि HTTPS जो होता है वो 443 पे ऑपरेट करता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसलिए इसका पोर्ट नंबर भी सेम है। वहीं बात करें इन दो URLs की, तो ऑल्दो ये सेम दिखते हैं लेकिन क्योंकि इनका प्रोटोकॉल जो है वो डिफरेंट है, एक HTTP है और दूसरा HTTPS है, इसलिए इनके लिए सेम ओरिजिन फॉल्स है। अब एक CSRF अटैक के थ्रू अटैकर आपसे कोई भी टास्क परफॉर्म करवा सकता है। वो आपकी प्रोफाइल अपडेट करवा सकता है, आपसे कुछ अप्रूव या रिजेक्ट करवा सकता है, कोई ट्रांजैक्शन करवा सकता है, या फिर आपकी प्रोफाइल में अपनी ईमेल आईडी अपडेट करवा सकता है, या फिर कोई भी ऐसा आपसे काम करवा सकता है जिससे उसे आपके अकाउंट का कंप्लीट एक्सेस मिल जाए। और जब आप एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हैं या फिर बग बाउंटी कर रहे हैं और आपको ये देखना है कि ये कोई एप्लीकेशन CSRF से वल्नरेबल है या नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये जो रिक्वेस्ट आप देख रहे हैं ये ईमेल आईडी अपडेट करने की रिक्वेस्ट है और ये बहुत ही डेंजरस तरीका है ईमेल आईडी अपडेट करने का। इनफैक्ट ये रिक्वेस्ट एक परफेक्ट एग्जाम्पल है CSRF अटैक वाली रिक्वेस्ट का। किसी भी सक्सेसफुल CSRF अटैक के लिए तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली, रेलिवेंट एक्शन, यानी कि कोई एक ऐसा एक्शन जिससे अटैकर को कुछ फ़ायदा हो। दूसरी, कुकी बेस्ड सेशन मैनेजमेंट, यानी कि जो एप्लीकेशन में सेशन मैनेज हो रहा है ये देखा जा रहा है कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, वो कुकी के बेसिस पे हो रहा है। और तीसरी, कोई भी ऐसे पैरामीटर का जो कि रन टाइम जनरेटेड हो या फिर अनप्रडिक्टेबल हो उसका एप्लीकेशन में प्रेजेंट ना होना। अगर ये तीनों चीज़ें मीट करती हैं, ये तीनों चीज़ें किसी रिक्वेस्ट में होती हैं, तो उस रिक्वेस्ट के थ्रू CSRF अटैक हो सकता है और ये तीनों ही रिक्वायरमेंट्स इस रिक्वेस्ट में मीट कर रही हैं। मैं जो भी चीज़ आपको सिखा रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पज़ से है, नॉलेज शेयरिंग पर्पज़ से है। मैं किसी भी तरीके से हैकिंग को प्रमोट नहीं करता और ना ही इसको सपोर्ट करता हूँ। किसी भी एप्लीकेशन को बिना ऑथराइज परमिशन के पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना, उसकी सिक्योरिटी टेस्टिंग करना, उसको हैक करना इलीगल है, इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। यहाँ तक मैंने जो भी आपको बताया वो सिर्फ थ्योरी पार्ट था, सैम्पल रिक्वेस्ट के थ्रू आपको समझाया। किसी भी चीज़ की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा होता है कि हम उसका प्रैक्टिकल यूज़ देखें, उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें। सो चलते हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने के लिए। यहाँ मेरी एक एप्लीकेशन है जिसमें मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ। ये मुझे फ़ंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन देती है। यहाँ मैंने अकाउंट नंबर मेंशन करना है, यहाँ मुझे अमाउंट मेंशन करना है कि मुझे कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, और इसे हम इंटरसेप्ट करके देखते हैं। ट्रांसफ़र, इस रिक्वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो हमारा अकाउंट नंबर यहाँ मेंशन है, कितना अमाउंट हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो मेंशन है, यहाँ पे सेशन जो है वो कुकी के थ्रू हो रहा है और कोई भी रैंडम पैरामीटर एप्लीकेशन में नहीं है। इस रिक्वेस्ट को हम भेज देते हैं कंपेयरर में, इंटरसेप्ट करते हैं ऑफ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे 10 यूरोस डिडक्ट हो गए हैं। अब सपोज ये यूज़र जो है एक सस्पिशियस वेबसाइट को विज़िट करता है और यहाँ पे एक लिंक है, तो आप यहाँ पे बैलेंस देख सकते हैं, अभी हमारा बैलेंस 790 है। जब वो इस लिंक पे क्लिक करेगा तो बैलेंस डिडक्ट हो गया। अब ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि जो सस्पिशियस वेबसाइट को उसने विज़िट किया, जो वहाँ पे लिंक था
वहाँ पे अटैकर ने इस तरीके से कोड लिख रखा था कि एक CSRF अटैक हुआ, यूज़र को पता भी नहीं लगा और उसका बैलेंस डिडक्ट हो गया। ये हमारा suspicious.html पेज का कोड है। यहाँ पे एक लिंक है जिस पे यूज़र क्लिक करता है तो उसे csrf.html पे रिडायरेक्ट किया जाता है। ये हमारा csrf.html पेज का कोड है जहाँ पे एक्चुअल CSRF अटैक हो रहा है। यहाँ पे एक फॉर्म टैग है जिसके अंदर एक्शन पैरामीटर के अंदर हमने हमारी जो वनरेबल एप्लीकेशन है उसका URL दे रखा है, और यहाँ पे कुछ इनपुट टैग्स हैं जिसमें हमने वो सब वैल्यू दे रखी हैं जो हमारी एक्चुअल एप्लीकेशन में यूज़ होती हैं। इधर स्क्रिप्ट टैग के अंदर ऑटोमेटिक सबमिट के लिए एक कोड लिखा है। अब जैसे ही यूज़र इस पेज पे आएगा तो ये स्क्रिप्ट टैग कॉल होगा जहाँ से इस फॉर्म को सबमिट कर दिया जाएगा। अब जैसे ही ये फॉर्म सबमिट होगा तो हमारी एग्जैक्टली वही रिक्वेस्ट जनरेट होगी जो हमारी एक्चुअल एप्लीकेशन फ़ंड ट्रांसफ़र के टाइम पे रिक्वेस्ट जनरेट करती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो एक दूसरी एप्लीकेशन है और हमारी एक्चुअल एप्लीकेशन में तो सेशन भी है जहाँ पे हमने कुकी बेस्ड सेशन मेंटेन हो रहा है, तो यहाँ पे वो चीज़ कैसे आएगी? अब क्योंकि सेशन जो है वो कुकी बेस्ड है और इस एप्लीकेशन को हमने सेम ब्राउज़र में ओपन किया है, तो होता ये है जो एप्लीकेशन है जिसकी कुकी हमने सेव कर रखी है, जब भी कोई रिक्वेस्ट उस एप्लीकेशन के लिए आएगी तो उसकी कुकी को उस रिक्वेस्ट में ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से हमारा CSRF अटैक पॉसिबल हो पाता है। चलिए एक बार उस वेबसाइट को दोबारा विजिट करते हैं। और इस बार रिक्वेस्ट हम इंटरसेप्ट करते हैं। इंटरसेप्ट किया हमने ऑन, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट हमारी जा रही है, यहाँ पे आप रेफरर देख सकते हैं, रेफरर डिफरेंट है और वहाँ रेफरर डिफरेंट था। इस रिक्वेस्ट को हम भेज देते हैं कंप्यूटर में। कंपेयर का रिजल्ट देखते हैं तो आप देखोगे कि ये वो रिक्वेस्ट है जो हमारी ओरिजिनल एप्लीकेशन से जनरेट हुई थी, और ये वो रिक्वेस्ट है जो हमारी सस्पिशियस वेबसाइट से जनरेट हुई है। ये रिक्वेस्ट एग्जैक्टली सेम है, बस रेफरर का डिफरेंस है। अब इसमें आप एज ए यूज़र अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको गोल्डन रूल को फॉलो करना है। वो ये है कि आप किसी भी सस्पिशियस वेबसाइट को विजिट ना करें, किसी भी रैंडम लिंक या फिर ईमेल को ओपन ना करें, और अगर कोई क्रिटिकल ट्रांजैक्शन वाली एप्लीकेशन आपको यूज़ भी करनी है तो उसे आप इनकॉग्निटो मोड में यूज़ करें। जब आप उस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो इनकॉग्निटो मोड में ही यूज़ क्यों ना कर रहे हो, तो उस ब्राउज़र में कोई भी और रैंडम एप्लीकेशन ओपन ना करें, इंटरनेट पर सर्फ ना करें। जब आपका काम हो जाए एप्लीकेशन से लॉग आउट करें, ब्राउज़र को बंद कर दें। लेकिन अगर आप एज ए डेवलपर ये जानना चाहते हैं कि अपनी एप्लीकेशन में CSRF को कैसे प्रिवेंट करें, तो वह मैं आपको बताता हूँ उसके लिए आपको क्या करना है। उसके लिए आपको अपनी हर रिक्वेस्ट में एक CSRF टोकन को इंक्लूड करना है। वो CSRF टोकन डिफ़िकल्ट टू गेस होना चाहिए, जितना रैंडम हो सके, जितना यूनिक हो सके उतना यूनिक होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये, जो आपका सेशन मैनेज हो रहा है वो प्लस जो आपका CSRF टोकन है ये आपस में लिंक्ड होने चाहिए। एप्लीकेशन जो है सर्वर एंड पे ये चीज़ वैलिडेट करे कि जो आपका टोकन आया है और जो ये सेशन है ये आपस में लिंक्ड हैं या नहीं। तीसरी चीज़ ये कि जो दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये हर रिक्वेस्ट के लिए आपको वैलिडेट करनी है हर बार। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो, कुछ आपको नया सीखने को मिला हो। अब यहाँ तक अगर आप आ गए हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ वापस आऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय।